नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, तमाम शिक्षण संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल, बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने तमाम जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई थी और बैठक में तमाम समीक्षाओं के बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और जो कोचिंग संस्थान है उन्हें बंद कर दिया जाए 21 जनवरी तक। और 21 जनवरी तक तमाम शिक्षण संस्थान है जो है वो बंद रहेगी। परीक्षाएं जो हैं वो समय पर ही होंगी, मगर ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी इस दरमियान, मगर जो ऑफलाइन क्लासेस थी उसे बंद कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर बिहार के मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है। वो आदेश जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तमाम जो शिक्षण संस्थानें हैं उसे 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। देखिए, सभी तरह की परीक्षाएं जो हैं वो समय पर ही होंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी वो ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। जिस तरीके से कोरोना जो है वो बढ़ रहा था, जिसको लेकर बिहार सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही थी, नाइट कर्फ्यू जो है वो आज से लागू है, यानी रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगी। 8 बजे से तमाम दुकानें जो हैं उसे बंद करने के आदेश थे और आज से तमाम जो गाइडलाइंस है उसका जो है पालन लोगों को करना होगा। और अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर है हमने आपको बताई है कि तमाम शिक्षण संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। मगर कहीं ना कहीं लोगों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। बिहार सरकार के तरफ से तो लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, मगर कोरोना पर रोकथाम तभी होगा जब हम सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे। इससे पहले भी बिहार सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया था उसमें साफ साफ लफ्जों में लोगों से अपील भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी कि लोग जो हैं वो सचेत रहें। और अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि तमाम शिक्षण संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। हालांकि कार्यालय में जो लोग कार्य करते हैं तो 50% ही उपस्थिति जो है वो कार्यालय में देनी है, क्योंकि भीड़भाड़ नहीं लगाना है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करना है। तो ऐसे में 50% जो है वो उपस्थिति कार्यालय में रहेगी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बिहार सरकार तो लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो रफ्तार है कोरोना की उस पर काबू पाया जाए और कोरोना को जड़ से मिटाया जाए, मगर लोगों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। खैर, मगर शिक्षण संस्थानें जो है 21 जनवरी तक फिलहाल बंद कर दी गई है, आदेश जारी कर दिया गया है। हम आपको वो लेटर पढ़कर सुनाते हैं कि आमिर सुहानी ने जो लेटर जारी किया गया है उसमें साफ साफ लफ्जों में लिखा गया है कि सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान 21 जनवरी तक तत्काल प्रभाव से बंद रखे जाएंगे, परंतु उनके कार्यालय में 50% उपस्थिति जो है वो रहेगी। यानी कि कार्यालय में अगर लोग कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ 50% ही उपस्थिति रहेगी। शिक्षण संस्थानें तो बंद कर ही दी गई है, नाइट कर्फ्यू भी आज से लागू कर दिया गया है। बिहार सरकार ने तमाम जो कदम है कोरोना के रोकथाम के लिए लगातार उठा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोग किस तरीके से गाइडलाइंस का पालन करते हैं। लोगों को समझना होगा कि अगर कोरोना से जंग जीतना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और तमाम जो बिहार सरकार गाइडलाइंस जारी कर रही है उसे बाखूबी फॉलो करें। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।